आखिर क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं आप? मगर मेरा यकीन करें, मेरा कोई कसूर नहीं था। तुम हमेशा की तरह अपने भाई की खुशियां सोची थी ना, इसलिए तुमने इस बात को राज में रखा ताकि दानियाल का घर खराब ना हो। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुमने अपना हक छोड़ दिया अपने भाई की खातिर, और मुझसे मशवरा करने की जरूरत भी नहीं समझी तुमने। मान, उस घर पे मेरा कोई हक नहीं, लेकिन वो बच्चा मेरा था। आपने मेरी बात सुनी? मैं सुनता तो तुम मुझे बता देती क्या कि तुम्हारा मिसकैरेज फरिया के धक्का देने की वजह से हुआ। तुम मुझे कभी भी ना बताती, क्योंकि अगर तुम मुझे बताती तो दानियाल का घर खराब होता, दानियाल को पता लग जाती ये बात। तुमने फिर से साबित कर दिया, कि मैं तुम्हारे लिए कितना गैर हूँ, तुम्हारे लिए वो लोग अहम है जिनसे तुम्हारा खूनी रिश्ता है, चाहे वो तुम्हारे साथ जितना मर्जी बुरा कर ले। ईमान, मुझे हाथ पर तकाओ, जाओ यहाँ से, जाओ। अकेला छोड़ दो, जाओ यार।